सब तो पहला तो मैं दसना चाहना कि पंजाब के जिहड़ी स्थिति है बिल्कुल स्टेबल आ, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह मेनटेनड आ, सारे पासे सुख शांति है। और मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने भी जिदा सारे पंजाबियों नाल अज गल कीती, पूरी स्थिति के उत्ते मानयोग मुख्यमंत्री साहब नज़र रखे हुए हैं, लगातार वो अफसर के कोलों फीडबैक लै रहे हैं पूरी स्थिति के बारे दे विच। और अज उन्होंने बहुत सारिया कॉल्स आई हैं पंजाब तो बाहरों, जिन्होंने इस स्थिति नाल बड़े वधिया तरीके नाल निपटने वास्ते मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद किया उन्होंने, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि पंजाब के यूथ नूं बचाउण वास्ते जिहड़े माड़े अंसर आ उन्हां नाल इस तरीके दे नाल निजिठना बहुत जरूरी सीगा। तो सारे पासे तो हर पासे तो उन्होंने धन्यवाद भी किया जा रहा है और सारे पंजाबियों वालों पूरा सहयोग मिल रहा वा, हर पासे तो हर वर्ग तो हर तबके तो हर एक तो पूरा सहयोग मिल रहा है। ये दूसरिया स्टेट्स तो भी पूरा सहयोग मिल रहा वा, दूसरिया एजेंसीज तो भी, सेंट्रल एजेंसीज तो भी पूरा सहयोग मिल रहा वा। और पुलिस ये अपना काम बिल्कुल कानूनी तरीके दे नाल कर रही है, बहुत सारिया कई तरह के लोगों के मन च शंके आ, सो जो भी काम किया जाएगा किसी न किसी तरह की इलीगल अरैसट च ना रखा गया ना रखा जाएगा, जदों भी जिहड़ा प्राइम अक्यूज आ जदों भी फड़िया जाएगा तुरंत उहदे बारे दे विच जानकारी दित्ती जाएगी। इहदे विच इस तरह लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, मोहाली दे विच एक धरना लग्या सीगा जिहड़ा पीसफुली समाप्त हो गया, उत्थे कुछ गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते धरनाकारियां दे विच कुछ डिफरेंसिस थी गए क्योंकि लोगों नूं आउण जाण दे विच काफ़ी समस्या हो रही सी, सो वह भी पूरी तरह समाप्त हो गया, रोड खुल गई है चंगी तरह। जिहड़ा इस इशू दे उत्ते कुछ अपडेट्स आ, एक केस रजिस्टर किया वा जलंधर रूरल दे विच जिहदे विच सरपंच जिहड़ा वा मनप्रीत सिंह गुद्दोवाल पिंड दा, उन्हें परचा दर्ज कराया दो बंदियां दे खिलाफ, एक हरजीत सिंह जिहड़ा उहदा चाचा वा एक उहदे खिलाफ, एक हरप्रीत सिंह दे खिलाफ। सो वो परचा जिहड़ा वा उन्हां नूं गन पॉइंट ते रख्या सी इन्हां ने जबरदस्ती जदों उत्थों दौड़े सीगे, उस केस दे विच एक परचा दर्ज किया गया वा जिहदे विच ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके आ दोनों। सरपंच जिहड़ा उहदा नाम मनप्रीत सिंह आ, उद्दो के पिंड दा सरपंच आ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਜ਼ਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਰੈਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚਾਰ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦੀਪਾ ਹੈ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੇਜਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਰੇਜ਼ਾ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮੰਨਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦੀਪਾ, ਇਹ ਬਲ 9 ਪਿੰਡ ਆ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹੈਪੀ, ਇਹ ਕੋਟਲਾ ਨੌਰਥ ਸਿੰਘ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਭੇਜਾ, ਇਹ ਗੁੰਦਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੁਛ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾ, ਵਾਕੀ ਟੋਕੀ ਸੈੱਟ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਡਰੈਕਟ ਦਾ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕੀਤੇ ਆ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ
पब्लिक संस्थावां होण, चाहे पिंडां दे सरपंच पंच कोई मोतबर बंदे आ, क्योंकि हर एक बंदा इहदे विच अपना योगदान पा सकदा वा। दूसरी गल आ, जदों भी कोई क्रिमिनल आपां नूं वांटेड हुंदा वा, उहदे विच आपां हमेशा हर तरह की प्रोबेबिलिटी नूं मद्देनज़र रखदे होए नॉर्मली आपां रिलीज़ करदे हां कि उह किस हुलिए दे विच हो सकदा वा। सो इस केस दे विच साडे कोल जिहड़ियां इहदियां कुछ पुरानियां फोटोग्राफ्स आ, कुछ नवीआं फोटोग्राफ्स आ, जिहड़ियां कि असीं सोशल मीडिया तों बाकी जगह तों साडे कोल आईआं है, वह असी जरूर एक बार रिलीज़ करना चाहवांगे। वी विल वॉन्ट कि ये नैशनल टीवी ते बाकी चैनल्स ते जरूर जान, क्योंकि असी नहीं कुछ कह सकते, जदों फड़िया जाएगा उदों ही पता लगेगा कि बंदा किस हुलिए च आ, पर रूल आउट नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। सो ये मैं फोटोआं जिहड़ियां असी कुछ जिहड़ियां लभियां होंदियां अलग अलग जगह तो, वो फोटोआं तुहानूं सारिआं नूं रिक्वेस्ट करांगा इन्हां नूं सर्कूलेट किया जाए वध तों वध। सो इहदे विच इस केस दे विच हुण तक टोटल 153 बंदे ने जिहड़े अरैसट हो चुके आ। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA एक्ट, जिदा तुहानूं पता NSA एक्ट लगाया जा चुक्या वा, उहदे विच NSA दे विच नैशनल सिक्योरिटी एक्ट जिहड़ा हुंदा है अमृतपाल दे खिलाफ, वो लग चुक्या, कल दा लग चुक्या है, ठीक है मेरी गल पूरी मैं तुहानूं दस्सदा जी। वो एक्ट लगन तों बाद दे विच जिहड़े कंसर्नड डिप्टी कमिश्नर हुंदे आ एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो बंदा स्केप कर रहा हों, जो ऑर्डर का प्रॉपर फॉलो नहीं हों, तो वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एक रिक्वेस्ट भेजते हैं कि बंदा जी अपनी अरैसट है उन्होंने इवेड कर रहा वा। वो फिर मजिस्ट्रेट साहब जोड़े ने उस तो बाद अरैसट वॉरेंट जोड़ा है वो जारी करते हैं। सो इस केस के जो नॉन अवेलेबल वॉरेंट आ अमृतपाल सिंह का, वो जारी हो चुका वा, जोड़ा कि 18 मार्च में जारी होया। फर्दर ये जे कोई बंदा फिर भी अपनी अरैसट में वेट करता वा तो कानून के प्रोविजन आ कि वो खिलाफ 82-83 सैक्शन जोड़े ने CRPC के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। सो 18 तरीक में लगे जी, 18 तरीक के जोड़े सेम डे जो इन्हें अपनी अरैसट में वेट किया, उस तो बाद प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके नॉन अवेलेबल वॉरेंट जो ने जारी कराए गए। इसके हाँ जी, जो पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल स्टेबल है। ऑनरेबल CM साहब जिनके जैसे खुद आप आज पंजाबियों से बात की, पूरी स्थिति पे वो खुद नज़र रखे हुए हैं इस पूरी स्थिति पे, और लगातार फीडबैक ले रहे हैं ऑफिसर से पूरे पंजाब में क्या सिचुएशन है, और पूरी तरह से हर तरह पूरी तरह शांति है। आज CM साहब ने जैसे बताया, उनको बहुत सारी पंजाब से, पंजाब के बाहर से बहुत सारी कॉल्स आई जिनमें लोगों ने उनको धन्यवाद किया, क्योंकि सारे लोग इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो बैड एलिमेंट्स के खिलाफ पूरा ये ऑपरेशन हुआ है उसमें सारे बहुत खुश हैं, और पंजाब के जो लोग हैं और पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनको CM साहब ने भी धन्यवाद किया है, क्योंकि सबसे बहुत कोऑपरेशन मिली इस पूरे ऑपरेशन में, और बाकी एजेंसी से, बाकी स्टेट से भी हमें फुल कोऑपरेशन मिल रहा है इस केस में, और पुलिस इसमें बिल्कुल कानून के अनुसार काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को आशंका है, लेकिन अभी तक जो प्राइम अक्यूज्ड है वो अभी इस केस में अरेस्ट नहीं हुआ है, जैसे ही वो अरेस्ट होगा तुरंत इसकी जानकारी जो है दी जाएगी। नहीं, वो ब्रेजा कार में ही थे, जो मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, जो अभी तक हमने जो इसमें एक तो FIR नंबर 28 दर्ज की है 20 मार्च को, जिसमें जो सरपंच है मनप्रीत सिंह उसकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की है कि दो लोग, जो एक हरजीत सिंह और हरप्रीत सिंह, उसने ये एलिगेशन लगाए कि इन्होंने गन पॉइंट पे उसको रखा था, और उसके बाद ये लोग जो है पुलिस ने अरेस्ट किए इस केस में। दूसरा गन पॉइंट पे सरपंच जो मनप्रीत सिंह है जो उसको रखा था उसके रेजिडेंस पे, कि जबरदस्ती के हमें शेल्टर दिया जाए उसके रेजिडेंस पे, क्योंकि इनको शेल्टर देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो उनके उसके एलिगेशन है कि इन्होंने जबरदस्ती गन पॉइंट पे मुझे रखा हुआ था। सरपंच मनप्रीत सिंह है, और जो अक्यूज्ड है दो, एक हरजीत सिंह है एक हरप्रीत सिंह है, दो अक्यूज्ड हैं इसमें। दूसरा जो अहम इसमें जो सुराग लगा है कि 4 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, जिनसे एक ब्रेजा कार जो है बरामद हुई है, ये मनप्रीत सिंह एलियस मन्ना, गुरदीप सिंह एलियस दीपा, हरप्रीत सिंह एलियस हैप्पी,
और गुरबेज सिंह एलियस पेजा, ये चार वो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने उसको एस्केप करने में मदद की। ब्रेजा गाड़ी इन्होंने यूज की जब ये चारों ने और अमृतपाल ने मिलकर जब वहां से दौड़े हैं। जो दूसरा जो अहम सुराग इसमें है कि उसके बाद ये गुरुद्वारा साहब है, नंगल अंबिया विलेज का गुरुद्वारा साहब, वहां पे गए, वहां पे कपड़े चेंज किए, पैंट और शर्ट डाली उसने अमृतपाल ने। उसके बाद दो मोटरसाइकिल्स पे, चार लोग जो थे दो मोटरसाइकिल्स पे एस्केप किए हैं वहां से। तो इस केस में एक तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इसकी अरेस्ट में और बाकी जो बैड एलिमेंट्स हैं उनकी अरेस्ट में पंजाब पुलिस को आपके सहयोग की जरूरत है। दूसरा, क्योंकि जैसे ही कोई अक्यूज्ड किसी केस में वांटेड होता है तो उसके हम बहुत सारी पिक्चर्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होती हैं वो पिक्चर्स हम रिलीज करते हैं। तो अमृतपाल की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो अलग अलग अटायर में हैं, अलग अलग तरह की पिक्चर्स हैं, वो हम लोग अभी रिलीज कर रहे हैं। वो पिक्चर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि डिस्प्ले की जाए ताकि लोग इसको अरेस्ट करवाने में हमारी मदद कर सकें इस केस में। नहीं, ये कार हमने जो मनप्रीत मन्ना है इनसे हमने रिकवर की है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन ये इसके रेजिडेंस से हमने किया है जो नवा किला है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में ये चीज एस्टेब्लिश हो गई थी कि वहां से ब्रेजा गाड़ी यूज हुई है। फर्दर आगे भी जैसे मैंने कहा कि हमने ये भी एस्टेब्लिश कर लिया कि वो गाड़ी में बैठ के ये गुरुद्वारा साहब तक गए हैं, वहां से चेंज करने के बाद फिर दो मोटरसाइकिल्स में एस्केप किया इन्होंने। तो ये पूरी जो लड़ी है हमारी वो आपस में कनेक्ट हो रही है। सर, ये जो आपने फोटो दी है उसमें क्लीन शेव भी है, ये पुरानी फोटोग्राफ्स हैं जो हमने कहीं से, जैसे हमें जिस 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 तरह की भी बेस में फोटोग्राफ मिली है वो हम रिलीज कर रहे हैं। वो हम नहीं कह सकते क्योंकि जब तक अरेस्ट नहीं होगा वो हम नहीं कह सकते कि वो किस तरह के अटायर में, किस तरह के वेश में होगा। बट लोगों की जानकारी के लिए उनके पास हर तरह की फोटोग्राफ होनी जरूरी है। ब्रेजा गड्डी है ओहदे बारे च असीं हुण अग्गे फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। ब्रेजा गड्डी जिहड़ी मिली है मनप्रीत सिंह मन्ना दे कोलों मिली है, और जेडे ये चारों बंदे असीं फड़े इन्हां दी पुछगिछ तो ही ये गल आई है कि ब्रेजा दे विच बैठ के फिर गुरुद्वारा साहब नंगल अंबिया उत्थे गए। उत्थे चार बंदे सीगे, इहदे च तीन बंदे होर आ, ये वाले चार में सी जिहड़े नाल एस्केप कीते, तीन होर बंदे आ, मतलब तीन प्लस एक। नहीं, ओ चीज इहदे वेरीफाई कर रहे कौन लैके आया सी, क्योंकि उस जगह दे उत्ते तीन बंदे होर सीगे, फिर ये चार बंदे दो मोटरसाइकिल दे मोटरसाइकिल ठीक है सर, मोटरसाइकिल का पता लगा कौन कौन मोटरसाइकिल से। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, बंदे अरेस्ट कर रहे ने जेड़े मोटरसाइकल्स ते चार बंदे तीन बंदे नाल गए आ, वो बंदे जे अरेस्ट करने बाकी आ। जेड़े ब्रेजा कार च बिठा के उत्थे तक लेके गए सीगे वो चार बंदे असी अरेस्ट कर लिया। बाइक की डिटेल्स अभी मैं वही कह रहा हूँ, वो हम अभी चेक कर रहे हैं क्योंकि आज ही इनको हमने अरेस्ट किया है। इनसे हमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ये चार लोग वहां पे गए थे, वहां से फिर चेंज करके आगे गए। बाकी इन्वेस्टिगेशन कौन से बाइक पे सब कौन लेके आए लगातार कि उसके परिवार वाले आ रहे थे यानी कि अमृतपाल पुलिस कस्टडी में है, क्या कहना है सर आपका कि क्या कस्टडी में है या पंजाब के बाहर? मैं इसको बहुत पहले हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं कि अमृतपाल आज तक पुलिस की कस्टडी में नहीं है। पुलिस बिल्कुल लॉ के मुताबिक काम कर रही है। जैसे ही अरेस्ट होगा तुरंत हम बताएंगे, बिकॉज हम इससे ज्यादा एक एक करके कर लेंगे। सर मैं पूछ सकता हूँ जैसे कि फंडिंग के बारे में कुछ पता चला सर, कि फंडिंग के ऊपर एक आपने जो गुड़गांव से गिरफ्तार किया सर? देखो, हमें जैसे मैंने कहा कि सारी सेंट्रल एजेंसी से हमें बिल्कुल बहुत कोऑपरेशन मिल रही है। एक स्पेसिफिक एजेंसी क्या कर रही है वो मैं नहीं बता पाऊंगा इस जगह। एमएलए की कितनी टीमें सर यहाँ पे हैं? मोटरसाइकिल तो किधर में पहुंच गया? नहीं, देखो ये सारा ये जड़िया चीजें है ना कि वेल प्लैंड सी जां कपड़े नाल लेके आए सी, ये चीजें अजे वेरीफाई होने गया तफ्तीश के विच, क्योंकि एक एक करके पूछो जी। सर क्या हुई? सर हाँ जी, ब्रीजा गाड़ी अभी हमारी कस्टडी में है, पुलिस स्टेशन शाहकोट है, वहाँ पे हमारे को जिला जलंधर रूरल में
अच्छा सर क्या अमृतपाल ह्यूमन बम बनाने के भी विचार कर रहा है? ऐसा कोई अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मैं कह रहा जी वो पार्ट चेक कर रहे, देखो अजय अज उन्होंने सुबह अरेस्ट किया चारों, उन्होंने जो दसिया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन दे विच मैं तुहानू दसता जिहड़ी अगे मोटरसाइकिल कित्थे गए किदां गए की उहदी ट्रेल की आ वो पार्ट अजे सारा असीं चेक कर रहे हैं। सो वो टाइम टू टाइम जिस तरह कल नहीं अज सुबह तां उन्होंने अरेस्ट किया जी। हाँ नहीं नहीं वो सारा अजे कर रहे हैं जी, वी विल रिलीज जब आएगा। नहीं अजे तक नहीं हुई जी, कोई अजे तक कोई देखो ये जी कॉल होंगी है ना जी NSA दे विच एक प्रोविजन है, उहदे विच प्रोविजन है सैक्शन 5 दे विच कि जिहड़े बंदे तो भी थ्रैट आ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट नूं जां पब्लिक ऑर्डर नूं उहनूं किसी दूसरी स्टेट दे विच रख्या जा सकदा वा। सो उहदे लई सिर्फ एक जरूरी हुंदा कि उस सैकेंड जिहड़ी स्टेट आ उहदी कंसेंट जरूरी हुंदी आ। सो हुण तक जिन्ने NSA दे विच 5 बंदे अरैसट कीते आ उहनां नूं डिब्रूगढ़ भेजा गया वा, 1-to-1 बेसिस दे उत्ते कॉल लई जांदी आ। इहदे विच एक ब्लैंकेट गल नहीं मैं कर सकदा, ज्यों ज्यों अरैसट होएगी त्यों त्यों कॉल ले जाएगी किन्नू कितने रखा। अच्छा सर उसके पास से कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट भी मिली है, हथियार मिले हैं, क्या है सर ये पूरी कर कितनी जैकेट मिली? नहीं देखो जो जैकेट्स मिली है एग्जैक्ट नंबर ऑफ जैकेट्स तो नहीं मैं बता पाऊंगा, लेकिन सारी जैकेट्स के ऊपर AKF लिखा हुआ है जिससे हमें सस्पिशन है कि वो, जैसे मैंने कल कहा था कि आनंदपुर खालसा फौज है तो वो उसका उसकी बाकी डिटेल्स हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहां से संभाल के जैकेट सारा चेक कर रहे हैं अजे तक नहीं जी, NIA अजे तक नहीं है, बट फर्दर जो जिहड़ी सेंट्रल एजेंसी की सानू जरूरत होएगी जां जिन्हां नूं साडे तों कोई इनफॉर्मेशन होएगी वो शेयर की जाएगी। हथियारों की ट्रेनिंग दी सर क्या उनके पास? हाँ जी सर, देखो ये चीजा जेडी है ना जदो फड़िया जाएगा ना जी उदो सारी पर पर जेड़ा जिन्ना मैं तुम्हें जिदा कल दसिया सीगा जितना 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 हमारे पास आज तक एविडेंस आया है उससे देयर इज अ स्ट्रांग सस्पिशन, क्योंकि फंड्स जो हैं जैसे गाड़ियां जो हैं 5 गाड़ियां हैं इनके पास, वो सारी गाड़ियां उन लोगों के नाम पे है जिन लोगों के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थी। दूसरा है कि इनके जो जितने भी आज तक फाइनेंसिस वेरीफाई हुए हैं उनके कोई रिलायबल क्रेडिटेबल सोर्सेज नहीं है, तो उससे हमें डाउट है कि इसकी जो फंडिंग है वो फॉरेन फंडिंग थी, एंड दैट पार्ट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उसमें भी और टाइम लगेगा। कल से को आपने गिरफ्तार किया उससे जानना, इतना बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, चार लोग खड़े हैं कोई नहीं, एक सुप्रीम कोर्ट का इशू है तो वीडियो का अगले पास जो बंदे एकदम बैक साइड तो जिस तरह उतर के अपनी गड्डी चो गया है नाल ट्रैवल कर रहे थे ना, ये अपनी गड्डी चो उतर के जिदा कल तुम दसिया जी गड्डी ट्रैवल कर रहा है उतो एकदम उतर के दूजी किसी गड्डी चला गया, हुण कल तक ये पता नहीं सी लग रहा कि दूसरी कड़ी गड्डी च गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चो आया कि उत्थों उतर के एक ब्रेजा कार दे विच गया सी जिहड़ी कि अज ब्रेजा कार रिकवर कीती है। फर्दर हुण अगे इस गलत गल आई है कि मोटरसाइकिल 2 यूज होए आ, हुण उस पासे नूं साडी इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप चल रही है। वो पार्ट अभी हम पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वही चीज है, देखो आपको अपडेट करते रहेंगे, अभी तक हमारे पास सवाल ये कि जो आपने कल्सी को गिरफ्तार किया है क्या उसके फंडिंग के क्या सबूत कुछ मिले सर? वो अभी हम उसको इंटेरोगेट पंजाब पुलिस का करना अभी बाकी है, तो करें सर तो इनको, मैं वही कह रहा हूँ जब उसको करेंगे तब ये सारी चीजें सामने आएंगी। कपड़े रिकवर हुए हैं? नहीं नहीं कपड़े असी नहीं रिकवर किए जी, असी गड्डी रिकवर की है, गड्डी चो वैपन रिकवर हुए हैं, उन्हां दी जिहड़े 4 बंदे असी अक्यूज अरैसट किए हैं उन्हां दी पुछगिछ तो यह गल सामने आई है जिहड़ी बार बार मैं तुहानूं दस रहा कि वो उत्थों जाके उन्हें कपड़े चेंज किए हैं। हुण वो चेंज करन तो बाद अगला सवाल तुहाडा है किधर नूं गए, वो पार्ट अजे चैक किया जा रहा है उहदे आले दुआले दे होर आस पास दे सारियां उन्हें कपड़े चेंज किए हैं। हुलिया बारे अजे मैं कह नहीं सकता, उही कह रहे मैं कह नहीं सकता।
वो कर रहे हैं जी, वो सारे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। अमृतपाल की वाइफ जो है उससे कोई पूछताछ हुई है नहीं अभी तक? वो कहाँ, उसके गांव में है? मैनू पता किसी बारे में। देखो सिक्योरिटी सिक्योरिटी इशूज के उत्ते देखो सिक्योरिटी इशूज के उत्ते बहुत सारिया चीज़ा होंगे जिड़िया टाइम टू टाइम और सही टाइम पर शेयर की जाए। सर एक वो तुसी मैनू जे कोई स्पेसिफिक दे दोगे मैं चेक करा सकदा जी कि की रीजन है उहदा, क्योंकि ब्लैंकेट कोई रीजन नहीं पता, कोई ना कोई हर केस दे विच कुछ ना कुछ रीजन होएगा, वो तुसी जदों दोगे कि आ प्रॉब्लम आ इशू हैगा उहदे बारे चेक कीता जा सकदा। सर एक एक ट्विटर हैंडल दी गल कीती है, इह वी आ गया इन्वेस्टिगेशन च, इह वी आया कि मार्च दे फर्स्ट वीक तों लैके 16-17 तक कई जिहड़े ट्विटर हैंडल जिहड़े आ ओपन कीते गए हेट स्पीच वास्ते। देखो असी देखो जिहड़ियां इन्वेस्टिगेशन दियां त्रुटियां है ना जी सारियां शेयर नहीं कीतियां जा सकदियां, इहदे विच बहुत सारे पहलू आ जिहड़े अजे अंडर इन्वेस्टिगेशन ने, जिहदे ते साडी जिहड़ियां एजेंसीज आ स्पैशलाइज्ड विंग्स आ साडे इंटरनल सिक्योरिटी आ काउंटर इंटैलीजेंस आ साइबर क्राइम आ वो तफ्तीश कर रहे हैं, पर हर गल जिहड़ी आ क्योंकि इहदे विच एविडेंस बिल्डअप करना है, सो हर चीज आपां पब्लिक फोरम ते शेयर नहीं कर सकते। जिन्नी इनफॉरमेशन जिन्नी अपडेट सीगी वो आपां शेयर टाइम टू टाइम करी जा रहे हैं। और सर एक सवाल हो रहा है कि जो बड़ा कोई होता है उसके नाम घोषित किया जाता है? नहीं अब तक ऐसा कुछ नहीं है जी, अब तक नहीं है। अच्छा सर एक सवाल है, नहीं नहीं ये नहीं कहा जा सकता इस स्टेज पे अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं। सर ISI से इसके कोई कनेक्शन अभी तक रिवील हुए? मैं कह रहा हूँ जी ये प्राइमरी जो एविडेंस है दैट एस्टेब्लिशेस के है, तो वो बाकी जो है एविडेंस एग्जैक्ट कंक्रीट एविडेंस है वो इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। सर एक सवाल की है कि जिहड़ा पहला दूजी गड्डी सी 18 नंबर मर्सिडीज, उस तो बाद दूजी आई ब्रीजा आई, उस तो बाद बाइक आई, कौन लगता है इन्वेस्टिगेशन दी चीजें सामने आई कि पूरा प्लान तरीके नाल भज्या? क्योंकि देखो ये वही मैं कह रहा हूं जदों फड़िया जाएगा ना जी, ना तो हुलिया सानू पता की होएगा जो फड़े गए, जेड़े साथी फड़े गए उन्होंने दसिया कि असीं उन्हूं ब्रेजा गड्डी च बिठा के ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। देखो वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर एक सवाल है, अजे कुछ नहीं है, देखो ये किसी के कोले कोई कंक्रीट नहीं है कि कौन है। अच्छा सर एक सवाल इससे है कि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था जेल से, तो उसमें सलमान खान को सजा मारने की धमकी दी थी, तो उस पे अब क्या एक्शन जो है वो लिया जा रहा है? इसके बारे में इस केस के बारे में आपने कुछ पूछा? ठीक है जी, थैंक यू।